मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले एपिसोड में मैंने जो वृक्ष है या मसीह पेड़ है उसके बारे में आपसे थोड़ी बातचीत की थी। वो एपिसोड नंबर वन था या पार्ट नंबर वन था। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मसीह पेड़ के बारे में, क्रिश्चियन ट्री के बारे में, कि किस प्रकार से ट्री या पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है और हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, और उसी के साथ साथ इसका आत्मिक रूप भी बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम उस पेड़ के समान या मसीह पेड़ के समान बढ़ें, फलें और दूसरों के लिए और परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए आज हम उसी का दूसरा भाग देखते हैं, मसीही पेड़ या क्रिश्चियन ट्री। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना मांगता हूँ कि जो पेड़ हमारे चारों तरफ हैं, वृक्ष जो पाए जाते हैं हरे भरे, उसको देखने में कितना सुंदर लगता है। आप ज़रा जंगल में जाइए, पता नहीं आपका अनुभव है कि नहीं, लेकिन जंगल में जब आप जाएंगे, बस हरा हरा पेड़ देख करके आप दिल खुश हो जाता है कि नहीं। वो ग्रीन जो कलर है, रिच, बड़ा बहुत सुंदर लगता है देखने में। और चिड़ियाँ अपने घोंसला बनाती है, और जब उन पेड़ों से ठंडी हवा बहती है तो आह हा हा, गर्मी में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जी हाँ, ये वो पेड़ है जो हमारे परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है, हम इस दुनिया के लिए बनाया है। पेड़ के कई बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताए थे। आइए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने इसकी रचना की, पेड़ की रचना की, पेड़ को बनाया। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा, बाइबल में से उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8 और 9। यहाँ पर हम देखते हैं इसका संदर्भ है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने क्रिएशन किया, पूरे संसार की उत्पत्ति की, पृथ्वी की उत्पत्ति की, और इस पृथ्वी में पेड़ पौधे घास और सब प्रकार के जीव जंतु उसने बनाए। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी परमेश्वर ने लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली और वहाँ से आगे बहकर चार धाराओं में बट गई। तो हम देखते हैं इन पेड़ों को, इन वृक्षों को, इन हरी हरी घाटियों में, जो जंगल में जो पेड़ हैं, परमेश्वर ने इसको बनाया सुंदरता के लिए, वृक्ष के फल खाने के लिए और भी कई लाभदायक चीज़ों के लिए। सो गॉड मेड दीज ट्रीज, परमेश्वर ने इसकी रचना की। अब दूसरी बात हम देखते हैं, भाई पेड़ जब हम लगाते हैं तो क्या होता है? हम लगाते हैं कि भाई इसमें आम आए, इसमें फल आए और इसमें अमरूद आए, जिसका भी पेड़ आपने लगाया। मेरे घर में एक छोटा सा आम का पेड़ है और कल ही मैंने ढेर सारे आम को एकत्र किया। जी हाँ, ढेर सारे आम, और उसको हम पका करके उसको हम खाएंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि भाई अपने घर के जो पेड़ के जो आम होते हैं ना वो तो मीठे ही निकलते हैं। अब चाहे वो खट्टे भी निकले, लेकिन अपना घर का जो आम है, अमरूद है, केला, वो साफ सबसे बढ़िया है कि नहीं? आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जी हाँ, तो वो पेड़ ने वो हमें आम दिए हैं, और हम पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि भाई इसमें फ्रूट आए, फल आए, और इन आशीषों को हम ले खाए और इन्जॉय कर सके, परमेश्वर की आशीष। अगर पेड़ फल नहीं लाता है तो साहब लगता है कि भाई काट दो, इसमें फल नहीं आ रहे हैं, ये बीमार हो गया, सूख गया, हम उसको काट देते, ठीक है कि नहीं? सो हम देखते हैं कि पेड़ हम इसलिए लगाते हैं कि फल आए। उसी प्रकार से
आत्मिक जीवन में भी मसीह पेड़ में, मसीह वृक्ष में आत्मिक फल आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे और आपके जीवन में वो आत्मिक फल नहीं आते हैं तो भाई हम किस काम के मसीह पेड़ हैं? कोई फायदा नहीं। आइए मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ूंगा आपके लिए, और लूका रचित सुसमाचार, लूका उसका 13:6-9, लूका उसका 13:6-9, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों तरफ खाद खोल करके डालूं, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालेंगे। काट डालना, अगर जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है साहब। और इसीलिए एक मसीह पेड़ को भी आत्मिक फल लाना, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और डालियाँ हैं, हम और आप डालियाँ हैं, और उसमें फल आना है, और अगर उसमें फल नहीं आएगा तो क्या होगा, काट दिया जाएगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। फिर एक और आगे देखते हैं पेड़ के बारे में कि ये एक प्रकार का सिंबल भी है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया पेड़ पे, पेड़ का मतलब लकड़ी के काठ पर या लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया गया, और लकड़ी कहाँ से आई, पेड़ से आई। तो यही वो पेड़ है जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की का बलिदान हुआ है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:32, यूहन्ना 12:32 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। ऊपर चढ़ाया जाना मतलब क्रूस पर चढ़ाया जाना, और यही वो क्रूस है जो पेड़ के लकड़ी से बना हुआ है। और लिखा हुआ है गलतियों उसका 3:13, गलतियों उसका 3:13, आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह क्या है, श्रापित है। और काठ कहाँ से आता है, लकड़ी कहाँ से आती, पेड़ से आती है। जी हाँ, तो पेड़ इस बात की निशानी भी है कि साहब आपके और मेरे पापों के लिए उस पेड़ पर, उस काठ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, इसी की वजह से आप और मैं प्रभु को जानते हैं, प्रभु के पास आते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि पेड़ एक प्रकार का प्रतीक भी है। किस प्रकार का प्रतीक है, आशीष का प्रतीक है, प्रभु परमेश्वर के आशीष का प्रतीक है। अब वो कैसे प्रतीक है, सुनिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए भजन संहिता और उसका 1:2-3, भजन संहिता उसका 1:2-3। यहाँ पर लिखा हुआ है किस प्रकार से जो धर्मी पुरुष है, जो प्रभु को प्यार करता है, वो उल्टे सीधे गलत कामों में नहीं लगता, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, सुनिए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब सुनिए, वो किसके समान है, धर्मी मनुष्य किसके समान है, वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी
मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम सफल होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, मनन करता है, मानता है, वह उस वृक्ष के समान है, उस पेड़ के समान है जो आशीष लाता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो हरा भरा रहता है, वो अपनी ऋतु में फलता है और जो कुछ भी वो करे क्या होता है, सफल होता है। तो सिंबल ऑफ गॉडली ब्लेसिंग, पेड़ क्या है, एक परमेश्वर की आशीषों का भरा पूरा स्रोत है, मसीह पेड़। जी हाँ, क्रिश्चियन ट्री आपको और मुझको होना है। हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मसीह पेड़ है वो इस बात का प्रतीक है कि हम आनंद से भरे रहें, आनंद से भरे रहें। सिंबल ऑफ जॉय, एक आनंद की उपमा दी गई है यहाँ पर। मैं पढ़ूंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 33 पद। पहला इतिहास 16वां अध्याय 33 पद। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करे, आनंद करे, वर्शिप करे, आराधना करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। सो यहाँ पर देखते हैं कि वन के जो वृक्ष हैं वो जय जयकार करते हैं यहोवा के सामने। आप और मैं जो मसीह पेड़ हैं, आपको और मुझको भी परमेश्वर के लिए जय जयकार करना है, वर्शिप करना, चिल्लाना है खुशी से, जॉय से, आनंद से। फिर हम देखते हैं पेड़ इस बात का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि से भरा पड़ा पेड़। नीति वचन उसका 3:18, नीति वचन 3:18 में आपके लिए पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम साफ रीति से देखते हैं, यहां लिखा हुआ है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाते हैं, और जो उसे पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। तो यदि आप परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो आप एक बुद्धिमान पेड़ के समान है, जीवन का वृक्ष है, जीवन जिसमें जीवन आता है। ये देखिए मसीही पेड़ की उपमा हम देखते हैं यहाँ पर, वो है वो पेड़ जिसमें बुद्धि आती है। आपको और मुझको परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। सो हम देखते हैं हमें वो पेड़ बनना चाहिए जहाँ पर हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो परमेश्वर का ज्ञान कैसे आएगा, वचन पढ़ने से, वचन में आगे बढ़ने से, वचन बाइबल स्टडी करने से, जो परमेश्वर ने रचना किया, सृष्टि किया, उसका अध्ययन करने से। हम देखते हैं ये सिंबल ऑफ विजडम। आपको पता है जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने बड़ी बड़ी खोज की है, ज़्यादातर उनमें से मसीही वैज्ञानिक थे जो परमेश्वर से भी प्रेम करते थे और कई इन्वेंशंस भी उन्होंने किया, और वो सृष्टि या जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है उसका अध्ययन परमेश्वर के वचन के आधार पर किया। सो एक मसीही पेड़ एक सिंबल ऑफ विजडम भी पाया जाता है। और ये हम देखते हैं ये जो पेड़ है मसीह पेड़, यहाँ पर उसकी उपमा दी गई है जीवन के वृक्ष के बारे में जो स्वर्ग में मिलेगा। जी हाँ, वहाँ पर भी पेड़ है, यहाँ पृथ्वी में तो पेड़ है ही, स्वर्ग में भी इसका वर्णन दिया गया है पेड़ के बारे में, ब्लिस ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। प्रकाशित वाक्य और उसका 22:14, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 14 पद,
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। सो साहब, स्वर्ग में भी जीवन का पेड़ है और आपको और मुझको ये अधिकार मिलेगा कि हम उस जीवन के पेड़ के वृक्ष में से वो फल खाएं, लेकिन इसके लिए आपको और मुझको मसीह पेड़ के समान इस दुनिया में जीना है। एक और चीज़ हम देखते हैं पेड़ के विषय में कि पेड़ हमेशा आशाओं से भरा रहता है, वो कभी थकता नहीं है। पेड़ दे फल देते देते नहीं थकता, कभी नहीं थकता, फुल ऑफ होप। एक पेड़ हमेशा आशा से भरा रहता है। मैं पढ़ूंगा अय्यूब की किताब उसका 14:7, अय्यूब की किताब उसका 14:7। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब उसका 14:7, वृक्ष की तो आशा रहती है, सुनिए, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती चली जाती हैं। ये देखिए, और बिल्कुल सही बात है, सही बात है। मेरे सामने पेड़ लगा हुआ है और बरसात में पानी मिलने के कारण बड़ा लंबा हो जाता है वो, और फिर बहुत लंबा हो जाता है और फिर बहुत मतलब खचर पचर हो जाता है, तो मुझे वो हर साल मुझे उसको काटना पड़ता है, फिर वो बढ़ जाता है, फिर काटो फिर बढ़ जाता है, बढ़ता चला जाता। पेड़ कभी गिव अप नहीं करता। आप उसको काट दीजिए फिर भी उसमें से टहनियाँ निकलेगी। उसी प्रकार से मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपको और मुझको जो मसीह पेड़ के समान है, मसीह वृक्ष के समान है, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, फुल ऑफ होप, आशा रखना है, बढ़ते रहना है, जैसे कि ये पेड़ बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि स्वर्ग में भी वो जीवन का वृक्ष है, उसके संबंध में एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसी प्रकाशित वाक्य में से, प्रकाशित वाक्य और उसका 22:2, ये पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 22:2, उस नगर के सड़क के बीचों बीच एक नदी बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। क्या बात है साहब, क्या बात है। स्वर्ग में ये जीवन का वृक्ष लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि ये हर उसमें 12 प्रकार के फल है और वह हर महीने फलता है, हर महीने फलता है। हमारा पेड़ पृथ्वी में जो है वो क्या है, साल में एक बार फलता है या दो बार फलता है, ये साहब 12 महीने फलता है और उसके पत्तों से जाति 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 के लोग क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, चंगाई मिलती है। ये स्वर्ग में स्थित है, अ ट्री इन हेवन, स्वर्ग में ये पेड़ है, जीवन का वृक्ष, जो उन लोगों के लिए है जो आज मसीही पेड़ के समान अपना जीवन बिताते हैं, आत्मिक फल लाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। फिर हम देखते हैं ये जो पेड़ है वो एक प्रकार का उपमा है कि कैसे हम विश्वास में स्टैब्लिश्ड हो जाएं, पक्के हो जाएं, और इसके लिए मैं पढ़ूंगा कुलुसियों उसका 2:2, कुलुसियों उसका 2:7 लिखा हुआ है, मैं 6 पढ़ूंगा, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते, सुनिए साहब, उसी में क्या पढ़ते, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में
दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो जैसे पेड़ का जड़ जितना नीचे जाएगा उतना वो पक्का होगा, मजबूत होगा, विश्वास में दृढ़ होगा। आपको और मुझको परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनना है, रूटेड, जड़ पकड़ना है। एक मसीह पेड़ का जड़ अगर ज़्यादा जमीन में नहीं गया तो किसी समय हवा आएगा, टेम्पटेशन आएगा, परीक्षाएं, गिर जाएगा। तो हमें आंधी तूफान जो आते हैं शैतान की ओर से, उससे में हमें स्थिर रहना, और उसको स्थिर बनने के लिए हमारे जड़ जो है, रूट्स, वो पक्के बनना है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रेम में, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। पेड़ परमेश्वर की शांति को भी दर्शाता है। हाँ जी हाँ, एक और उपमा हम देखते हैं पेड़ के बारे में कि वो परमेश्वर की शांति को दर्शाता है। यशाया उसका 60:13, यशाया नबी की किताब और उसका लिखा हुआ यहाँ पर 60:13, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेबानोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जी हाँ, जो पेड़ है वो परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर पेड़ जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में पाए जाते हैं, माफ़ करना, मैंने पीस ऑफ गॉड का, पीस ऑफ गॉड नहीं, परमेश्वर की शांति नहीं, परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। फिर हम देखते हैं पेड़ बताता है कि एक उपमा दी गई है, फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का फल हम लाएं अपने जीवन में। नीति वचन उसका 11:30, नीति वचन उसका 11:3, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11:3, क्या लिखा हुआ है, 30 पद, नीति वचन 11:30, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। धर्मी का प्रतिफल क्या होता है, जीवन का वृक्ष होता है। जी हाँ, और जो फल है वो क्या है, गलतियों उसका 5:22-23 आप तो जानते हैं, जो आत्मा का फल है 5:22। पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर हम देखते हैं जो उपमा दी गई पेड़ के बारे में, वो एक अच्छे शोभायमान जीव को दर्शाता है, होलसम, पवित्र जीव को दर्शाता है। नीति वचन 15:4, नीति वचन उसका 15:14 हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, और साफ रीति से कहता है, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा क्या होती है, दुखित होती है। जी हाँ, सो हम देखते हैं कि हम कभी भी अपनी जीभ को उल्टी सीधी बातों के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो अंतिम बात है वो ये है कि आप किस प्रकार के पेड़ हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं। मैं पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में कि एक पेड़ जो है उनके फलों से जाना जाता है कि किस प्रकार के फल हैं। अगर आप आम का फल देखते हैं तो आम का पेड़ है, केले का फल देखते हैं तो केला दिखाई देता, तभी आप जानते हैं साहब। सो क्या मेरे और आपके जीवन में मसीह यीशु के आत्मा का फल पाया जाता है, आनंद, धीरज, मेल, शांति? ये बहुत ज़रूरी है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6:00, लूका उसका 6:00, 43-45 आप सुनिए।
कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे मित्रों, आज हमने देखा किस प्रकार से हम मसीह पेड़ में कई कई चीज़ें लाना है। परमेश्वर की उपस्थिति, आत्मिक फल, आनंद, मेल मिलाप, धीरज और परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना, है ना। यह है मसीह पेड़ की पहचान। क्या आप वो मसीही पेड़ हैं? क्या हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए मसीह पेड़ हैं, या वो रूखा सूखा हुआ, जड़ पकड़ा, जड़ में नहीं है, बीमार पेड़ है? आइए आज हम अपने आप को, अपने पूरे व्यक्तित्व को समर्पित करें पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, और कहें, प्रभु मेरे जीवन से पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, ताकि एक मैं अच्छा मसीह पेड़ बन सकूं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।